गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, इसके बारे में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और उससे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप कंसंट्रेशन का, और उस पर हमने इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी चैप्टर का हमने न्यूमेरिकल बनाया था। तो बच्चों उसको आप लोग बनाए होंगे। और अब देखो जो बच्चों आप लोगों को हम टॉपिक बताने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद, अब आपको जानना है सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है बच्चों। तो इसे जानने से पहले आपको हम एक चीज़ बताते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जितना से जितना इसे शेयर करें। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो सॉल्युबिलिटी इन केस आप समझने के लिए जैसे कंसंट्रेशन को समझते हो एक तरह का, जैसे कंसंट्रेशन में आप लोगों को हमने क्या बताया था कि पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसको हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दो, थोड़ा सा इसको चेंज कर दो। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक चीज़ नया आ रहा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल न्यू है बच्चों, अभी तक टेम्परेचर का जिक्र कहीं नहीं हुआ था, लेकिन सॉल्युबिलिटी के केस में टेम्परेचर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चलिए डिफिनेशन पहले पूरा कर लेते हैं। कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो चलिए बच्चों इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखो होता है क्या बच्चों कि फिक्स टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी को इसलिए डिफाइन किया जाता है, जैसे आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे आप शुगर ले लो और उसे पानी में डिजॉल्व करो, तो आप देखोगे कि उसे आप जब डिजॉल्व करोगे फिजिकली प्रोसेस से, उसे मान लो सपोज आप चम्मच से उसे मिला रहे हो या फिर सपोज मान लो उसे फिजिकली छोड़ दियो, ऐसे ऐसे होता है ना क्या ग्लास टू ग्लास चेंजिंग, तो उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है और 100% सॉल्युबिलिटी होने में भी एक टाइम के साथ साथ क्या होता है कि ये श्योर नहीं होते हम लोग कि हाँ सारा पार्ट्स उसका डिजॉल्व हो जाए या नहीं हो पाए। बात समझ रहे हो? सॉल्युबिलिटी मतलब कि पूरा उसके 100 पार्ट्स में जितना शुगर डिजॉल्व होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहां पर होता क्या है कि जैसे हम एक मान लो एक टेम्परेचर पे अपने रूम टेम्परेचर पे हमने क्या किया कि डायरेक्ट शुगर को पानी में मिलाया और डिजॉल्व कराना शुरू कर दिया, मिलाना शुरू कर दिया, तो होता क्या है कि उस केस में जो शुगर की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, बच्चों इसको नोट करना ध्यान से, और अब हम क्या करते हैं कि एक बॉयल वाटर लेते हैं और उसमें हम शुगर को डाल देते हैं, तो वो क्या होता है कि बॉयल वाटर में डाला हुआ शुगर आप जानते हो कि बहुत जल्दी क्या हो जाता है उसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे होगे कि एक टेम्परेचर ज़्यादा है वाटर के पास, अगर टेम्परेचर जाता है तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और जब हम टेम्परेचर को कम रख रहे हैं तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बच्चों इसलिए हमने कहा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि आप किसी भी टेम्परेचर पर सोल्युबिलिटी को डिफाइन कर दोगे, क्योंकि एक ही सबस्टांस का एक सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। तो चलो देखो यहां पर हम सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इसका मतलब 100 इसलिए बच्चों क्योंकि पर 100 पार्ट्स में निकालते हैं, इनकेस अगर ग्राम है तो पर 100 ग्राम, और अगर इनकेस वॉल्यूम है तो पर 100 मिली लीटर। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, हम यहाँ पर अब जानेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी में जैसे आपको दो तरह का सॉल्युबिलिटी आपको पढ़ाया जाएगा आपके सॉल्यूशन चैप्टर में, एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो सबसे पहला जो है बच्चों हम ये सॉल्युबिलिटी का जो टाइप्स बताने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कि एक सॉलिड जो है लिक्विड में कैसे डिजॉल्व होता है या क्यों डिजॉल्व हो सकता है, ये भी आप कह सकते हो। तो देखो बच्चे हमने यहाँ लिखा है डिफिनेशन में क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सबस्टांस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कह सकते हैं कि किसी एक स्पेशल एक विशेष अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना सॉलिड मैक्सिमम डिजॉल्व हो रहा है वही उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो बच्चों अब आपको थोड़ा सा माइंड में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्यों यह डिजॉल्व होता है, कोई सॉलिड सबस्टांस लिक्विड में क्यों डिजॉल्व होता है। और एक चीज आपको हम पहले ही बता देते हैं बच्चों, यह हमेशा ध्यान में रखना नोट में कि जनरली ऑल सॉलिड्स आर नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। आप अगर ये माइंड में अगर सोच के चल रहे हो कि सारे के सारे सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं, तो पहले इस भ्रम को अपने माइंड से हटा देंगे, सारे सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते हैं। हाँ वैसे सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं जिनका नेचर,
जिनका नेचर लिक्विड के कुछ नेचर से मैच करता है। थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल्स में एक जो है एक तरह से कह सकते हैं एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, एक डेमो दे रहा है, इसको ध्यान से समझना। जैसे सपोज NaCl, NaCl क्या होता है बच्चा, साल्ट होता है। क्या होता है? साल्ट। अगर इसको हम जैसे ही वाटर में डालते हैं तो ये साल्ट क्या होता है, इजिली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। बच्चों हम लोगों को ये लगता है कि ये नेचुरल गिफ्ट है, बट दैट इज नॉट नेचुरल गिफ्ट, ये एक साइंटिफिक गिफ्ट है। अब आपको लगा साइंटिफिक गिफ्ट क्या, इसके पीछे साइंस का क्या रीजन है, क्या लॉजिक हो सकता है कि वाटर में NaCl का डिजॉल्व होना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम लोग कहते हैं वाटर में NaCl डिजॉल्व हो जा रहा है तो इसके पीछे होगा क्या नहीं, NaCl तो वाटर में घुलता ही होगा या नेचुरली है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप ध्यान देना, NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड, अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो ये दो आयन्स में ब्रेक होता है बच्चों, सोडियम कैटायन यानी पॉजिटिव आयन और क्लोराइड निगेटिव आयन। और इसी तरीके से अगर हम वाटर को हाइड्रोलाइज करते हैं यानी वाटर को ब्रेक करते हैं तो H+ एंड OH माइनस हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, यानी वाटर क्या कंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और NaCl क्या कंटेन कर रहा है, सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन। तो देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, ये हुआ आयनिक नेचर का और ये भी हो गया पोलर नेचर का, यानी कहने का मतलब है कि दोनों के पास आयनिक और पोलर लगभग सेम ही है दोनों, पोलर का मतलब पॉजिटिव निगेटिव पोल और आयनिक का मतलब पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन, तो दोनों आयन्स दोनों क्या कर रहा है, आयन्स कंटेन कर रहा है बच्चों। तो यहां पर इनके बीच में एक नेचर दिख रहा है लाइक डिजॉल्व्स लाइक का, है ना बच्चों, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये क्या है, केमिस्ट्री का एक समझ सकते हो कि एक प्रकार का फ्रेज भी है। इसका मतलब होता है कि जैसा नेचर का सबस्टांस होता है वैसे ही नेचर को अपने अंदर वो घुलाता है। तो सेम केस देख रहे हो बच्चों, आयनिक ये भी है और ये भी कहीं ना कहीं आयन कंटेन कर रहा है, तो इस कारण से ये डिजॉल्व होता है। लेकिन यही अगर हम आपको दूसरा एग्जांपल दें कि अगर हम इसी NaCl को हम बेंजीन में डिजॉल्व कराना चाहे, किसमें डिजॉल्व करना चाहे बच्चों, बेंजीन C6H6 में, लेकिन यहां डिजॉल्व नहीं होता है। अब आपको लगा कि NaCl बेंजीन में क्यों डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वहां तो हो गया, बड़ा इजिली हो गया, तो इसका कारण है बच्चों क्योंकि NaCl अभी हमने आपको क्या बताया, ये एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी आयन्स फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब कि कह सकते हैं इट डज नॉट कंटेन्स आयन। अब ये आयन कंटेन नहीं करता है जब, है ना, तो अगर आयन कंटेन नहीं करेगा बच्चों तो इसके पास क्या होगा, ये नॉन पोलर नेचर का हो जाएगा। क्या नेचर का हो जाएगा? नॉन पोलर। और आपको ये जो है क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये पोलर नेचर का, आयनिक नेचर का है। तो अब बताओ कि क्या इनकी नेचर इक्वल हो रही है, नहीं हो रही है, तो यहां इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। तो ये था बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हमें इसको जल्दी से डिफिनेशन नोट कर लेना है फिर इसके आगे बताते हैं। तो देखो बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बाद हम लोग जानेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, यानी कौन कौन से ऐसे इफेक्टेड फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड को क्या करते हैं, तो वो इफेक्ट करते हैं ना, उस पर प्रभाव अपना डालते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव केस में आएगा, इसलिए बच्चों क्योंकि इफेक्टेड केसेस तो देखो तीन तो हमने लिखेंगे यहाँ पर, तीन इफेक्टेड केसेस बताएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्योंकि देखो बच्चों अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर एक जैसा होता है, यानी कि कहने का मतलब है उनके कुछ आयनिक नेचर मैच करते हैं, तभी वो डिजॉल्व होता है जाकर सॉल्यूट किसमें, सॉल्वेंट में। तो देखिए हमने फिर से यहाँ पर जिक्र किया लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसका मतलब ये बच्चों कि जैस नेचर का सॉल्यूट है उसी नेचर का उसको सॉल्वेंट है और उसमें इजिली डिजॉल्व होता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल क्या लिखा बच्चों, व्हाइल NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व है ना रेडली इन वाटर, यानी कि वो जल्दी घुलता है ना, नेफ्थलीन डू नॉट। नेफ्थलीन देखो बच्चों ये डाई एरोमेटिक रिंग होता है, बेंजीन का डाई एरोमेटिक रिंग होता है, इसको नेफ्थलीन कहते हैं। तो नेफ्थलीन नहीं वाटर में घुलता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड और शुगर क्या होता है, दोनों इजली घुल जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नेफ्थलीन जो है आसानी से बेंजीन में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो बच्चों कि कितना इफेक्टेड केस है, अगर उनका नेचर मैच करेगा तो वही डिजॉल्व होंगे। और NaCl क्यों डिजॉल्व हो रहा वाटर में, बताया था ड्यू टू आयनिक नेचर, और नेफ्थलीन क्यों बेंजीन में डिजॉल्व हो रहा वाटर में, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये नॉन आयनिक नेचर का है। ठीक है, अब देखो बच्चों दूसरा जो है वो है टेम्परेचर।
देखो टेम्परेचर भी इफेक्ट ऐसा नहीं है कि सॉलिबिलिटी को नहीं डालता, ये भी सॉलिबिलिटी को इफेक्ट डालता है, बल्कि ये सारे सबस्टांस पे इफेक्ट डालता है। तो इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले एक सैचुरेटेड, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब बच्चों ये होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, न उससे ज़्यादा न उससे कम, एकदम मतलब कह सकते हैं कि अगर 1 लीटर वाटर अगर 500 ग्राम अगर चीनी कंटेन करता है, शुगर कंटेन कर सकता है, तो बस उतना ही, ना उसको 4 करें ना 600 करने का कोशिश करें। अब देखो उस सॉल्यूशन के लिए क्या कहता है कि इफ, पहला पॉइंट देख रहे हैं इसमें बच्चों कि अगर सॉल्यूशन का हीट अगर 0 से ग्रेटर है, यानी कि सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 0 से बढ़ रहा, आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 है ना, उसको हम जितना इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगा बच्चों, तो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन के टेम्परेचर को देखो 0 से नीचे ले जा रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, -1 मान लो कर रहे हो, -2 कर रहे हो, -3 कर रहे हो, तो वहां सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीजेज हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर 0 की ओर बढ़ेगा, यानी 0 से नीचे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और जो सबसे तीसरा केस आता है बच्चों वह इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर जनरली इफेक्ट ज्यादा नहीं डालता बच्चों, क्योंकि आपको पता है आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल है ना, गैसेज कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन सॉलिड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो बच्चों जो इनकम्प्रेसिबल है उसमें हम प्रेशर का इफेक्ट क्या डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए बहुत लेस इफेक्ट डालता है जो है प्रेशर। इसको बच्चों नोट करोगे। अब देखो बच्चों सॉल्युबिलिटी में हम आगे बढ़ते हैं, और ये सॉल्युबिलिटी जो आपको हम बताने जा रहे हैं बच्चों, ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, किसी भी गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। तो देखो बच्चों आपने इसको लिखा है कि जनरली ऑल गैसेज आर डिजॉल्व इन लिक्विड, सारे गैस लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक जैसी नहीं होती, उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ गैस लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं बच्चों, और कुछ गैस लिक्विड में कम डिजॉल्व होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग बच्चों, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल में देखो H2O2N2F2, यह सब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस फ्लोरीन गैस, यह सब जितने भी गैस हैं सब क्या है लिक्विड में बच्चों, लेस सोल्यूबल में आते हैं, किस में आते हैं, लेस सोल्यूबल में आते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए CO2 SO2 NO2 ये सब जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो देख रहे हैं आप बच्चों, ये लिक्विड में क्या है, हायर सोल्यूबल है। इनके पीछे कारण है बच्चों, कारण ये है कि देखो अगर हम बात करें H2 की, तो H2 क्या है, एक नन पोलर है, क्योंकि देखो जब दो सेम एलिमेंट्स से अगर कोई भी कंपाउंड बनते हैं तो उनके बीच में कोई आयंस क्रिएट नहीं होता, यानी वो किस नेचर के हो जाते हैं बच्चों, नन पोलर के नेचर हो जाते हैं। और लिक्विड इनकेस अगर मान लो हम लिक्विड के रूप में वाटर को लेते हैं बच्चों, तो ये वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और ये आयंस में ब्रेक होता है, आपको पता है ये क्या है, पोलर टाइप का नेचर का है। तो ये पोलर नेचर का है और ये नॉन पोलर नेचर का है। तो ऐसा नहीं कि गैस नहीं डिजॉल्व होते हैं, होते हैं सारे गैसेज होते हैं, तो प्रेशर पे होते हैं और प्रेशर पे होते हैं, लेकिन ये सब गैसेज थोड़ा कम डिजॉल्व होता है। और ये सब गैसेज जैसे CO2 SO2 NO2 तो ये क्या होते हैं बच्चों, तो CO2 की अगर हम बात करें, तो CO2 क्या है बच्चों, तो इसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो सपोज इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, सम नेगेटिव चार्ज और सम पॉजिटिव चार्ज, यानी मतलब लेस पॉजिटिव और लेस नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है, यानी ये पोलर नेचर का थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी इनके अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है बच्चों। अब इसके बाद देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गैसेज के लिक्विड में क्या बताते हैं, तो इफेक्टिंग फैक्टर को बताते हैं। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि जिस तरह का उनका नेचर होता है, अगर गैसेज का हमने अभी बताया आपको कि जैसे हम H2O2 को लेते हैं है ना, N2 को लेते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, जैसे H2 हमने लिया तो ये क्या था कि ये नॉन पोलर नेचर का था है ना, इस पर कोई आयंस क्रिएट नहीं हो रहे थे और ये नॉन पोलर का था। और वाटर जो है अगर मान लीजिए सपोज आपने लिया है सॉल्वेंट के फॉर्म में, तो वाटर क्या है बच्चों, तो वाटर आपका H2O यानी कि आयनिक नेचर का है, यानी पोलर नेचर का है, और यहाँ पर पोलर में नॉन पोलर का डिजॉल्वेंस क्या होगा, थोड़ा कम होगा। लेकिन यही अगर आप CO2 लेते हो, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जहाँ तक बात है, तो इसमें क्या होता है, निगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है बच्चों, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट से एलिमेंट बने हुए और ज़्यादा क्या होते हैं उनके निगेटिविटी डिफरेंस होने के चांसेज या डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा हायर सोलूबल में आ जाता है, जिनके निगेटिविटी डिफरेंस रहते हैं या कह सकते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट से बने होते हैं। दूसरा जो देखो बच्चों जो है
पहला तो हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये काफी इफेक्ट डालने वाला है क्योंकि यहां भी लाइक डिजॉल्व्स लाइक का रूल चलने वाला है। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखो बच्चों क्या कहता है कि यदि हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना, क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए बच्चों की देखो एक क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर आप किसी गैसेज के सॉल्युबिलिटी को जो है ना उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि देखो बच्चों गैसों में क्या कारण होता है कि जैसे उसको टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे, तो इवेपोरेट होता है ना, वो विसरण का क्रिया करता है। विसरण करने का मतलब बच्चों फैलता है, तो गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कराना, फैलाना नहीं है ना बाहर, तो वो गैस टेम्परेचर के साथ साथ वो फैलने लगेगा, बाहर आने लगेगा, जिससे सॉल्युबिलिटी उनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें बच्चों तो वहां पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर कंडेंस की जगह ब्रेक हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा फ्रीली होकर मूव करने लगेंगे। लेकिन टेम्परेचर कम करेंगे तो उनके जो है ना कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स कंडेंस होने का प्रयास करेंगे और वो उस समय उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इंक्रीज कर जाएगी बच्चों। और तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है बच्चों ये है प्रेशर, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड की, क्योंकि बच्चों कोई भी गैस अगर लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो सबसे पहले याद रखना हाई प्रेशर पे होता है। हम लोग नॉर्मल प्रेशर पे किसी भी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व नहीं करा सकते हैं, इसीलिए कहा गया है कि गैसेज को ज्यादा जो है कह सकते हैं कि जो है ना लिक्विड में डिजॉल्व कराने का जो इफेक्टेड गैसेज है वो प्रेशर है। और प्रेशर इसलिए क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होते हैं, यानी गैसेज पर जो है कह सकते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा कंडेंस होते हैं प्रेशर डालने से, इसलिए ये प्रेशर जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसी प्रेशर पर बच्चों हम आगे अभी एक हेनरी का नियम, हेनरी का लॉ बताने जा रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा नोट करोगे जल्दी से। तो देखो बच्चों अब इसके बाद जो हमने बताया था इससे पहले कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन इन लिक्विड, और उसमें हमने बताया था कि कोई भी गैस लिक्विड जो होता है लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो हाई प्रेशर पे होता है। तो बच्चों यहाँ पर हाई प्रेशर पे जो डिजॉल्व होता है उसके लिए सॉल्यूशन में एक लॉ चलता है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे और नोट करोगे। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि देखो हेनरी लॉ ने क्या किया है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गैस के सॉल्युबिलिटी को क्या किया, उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया है प्रेशर ऑफ द गैस का। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने बता दी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी गैस अगर लिक्विड में डिजॉल्व होगा बच्चों तो वो डिपेंड करेगा कि गैस का प्रेशर कितना है। यानी कि इसके लिए हेनरी ने फिर क्या किया, उसने एक बहुत कह सकते हैं कॉमनली जो है एक स्टेटमेंट भी यूज किया है, और वो क्या स्टेटमेंट यूज किया है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर वेपर फेज, यानी कि जो गैस का वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर अगर पी है तो इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स। यानी कहने का मतलब है बच्चों, हमने आपको मोल फ्रैक्शन भी बताया है, मोल फ्रैक्शन में भी हमने बताया है नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन जितना हाई होगा, या कह सकते मोल फ्रैक्शन जितना होगा, वो गैस का प्रेशर भी उस पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या कह सकते हैं कि गैस का प्रेशर बिल्कुल किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस पे। और इसीलिए इन्होंने बताया है कि क्योंकि आपको इससे पहले इन्होंने बता दिया कि किसी भी गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, प्रेशर ऑफ द गैस का, और प्रेशर ऑफ द गैस क्या है तो वो मोल फ्रैक्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो बच्चों यहां दो लॉ जो है एक ही में छिपे हुए हैं, ध्यान देना। अब इसको देखो हम एक्सप्रेस्ड कैसे कर सकते हैं, है ना, तो इसको एक्सप्रेस अगर कर सकते हैं फ्रॉम हेनरी लॉ, तो फ्रॉम हेनरी लॉ में देखिए हमने क्या बताया है, फ्रॉम हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हमने बताया कि प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स का, यानी उसके मोल फ्रैक्शन का। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल आएगा तो क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, केएच, केएच इंटू एक्स, और केएच क्या कॉन्स्टेंट है बच्चों, हेनरीज कॉन्स्टेंट। देखो हेनरीज कॉन्स्टेंट गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि सारे सॉल्यूशन में सारे गैस के लिए एक ही तरह का कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करोगे, इसके लिए अलग अलग आएगा बच्चों, अलग अलग बुक्स में दिया भी होगा आपको सारे गैसेज का, नाइट्रोजन का केएच का वैल्यू, ऑक्सीजन के केएच का वैल्यू, उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक का देख लोगे, यूज कर लोगे, उसमें सारा डाटा दिया हुआ है वो, जो कि न्यूमेरिकल में आपको बच्चों काम करेगा। इसके बाद देखो बच्चों हमने इस पर क्या बताया है, इस केएच के प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए हमने एक ग्राफ दिखाया है। इस ग्राफ में देखो बच्चों हमने दो एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें हमने क्या दिखाया बच्चों, ये एक्स है यानी मोल फ्रैक्शन है, और ये प्रेशर ऑफ द गैस है।
अब देखना बच्चों, ये रेगुलर एक जो कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, बिल्कुल जिगजैग नहीं है, सीधा एकदम है। इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर बच्चों हमारा मोल फ्रैक्शन अगर एक्स भी अगर 1 पॉइंट इंक्रीज कर रहा है तो हमारा प्रेशर भी कितना इंक्रीज कर रहा है, 1 पॉइंट, बिल्कुल सामने कटेगा बच्चों। अगर हम मोल फ्रैक्शन को डबल लेके जाएंगे तो हमारा प्रेशर भी क्या होगा, डबल। अगर हम ट्रिपल लेके जाएंगे तो हमारा मोल प्रेशर भी क्या होगा, ट्रिपल। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे जो है ना, क्या जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे गैस का प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व होगा। इसके लिए देखो, दो हमने इसका बच्चों प्रॉपर्टीज लिख दिया। पहला तो कि केज इज द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, केज बिल्कुल नेचर ऑफ द गैस पर वो वर्क करता है। और तीसरा जो दूसरा नोट पॉइंट है कि हायर है ना द वैल्यू ऑफ केज एट अ गिवन प्रेशर, द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। अगर केज की वैल्यू अगर एक टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि वहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड भी क्या है, तो वहाँ पर कम है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। आपसे पूछता है अक्सर कि आर व्हाट डू यू मीन बाय हेनरीज लॉ, है ना, राइट टू एप्लीकेशन, ऐसा बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो एप्लीकेशन में देखो, सबसे पहले हमने लिखा है इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत सारे बोतल आते हैं, है ना, जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा यूज करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन जब खोलते हो बच्चों तो गैस रिलीज होता है, उस गैस का नाम दरअसल बच्चों है कौन सा गैस है, CO2 गैस। ये किस में होता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में अब आपको लगेगा क्यों CO2 है, CO2 से कोई टेस्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, टेस्टिंग के लिए नहीं है बच्चों, ये उसको कर सकते हैं सेफ रखने के लिए, क्योंकि CO2 एक इनएक्टिव गैस है, इसमें कोई भी जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव नहीं होंगे, इसलिए उसको डिजॉल्व कराया जाता है, और वो भी हाई प्रेशर पे, इसलिए क्योंकि वो कोई भी गैस नॉर्मल प्रेशर पे कभी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होगा। इसीलिए आप जैसे ही नॉर्मल प्रेशर पे ढक्कन को खोलते हैं वो गैस जो सॉल्युबल होता है वो बाहर चला आता है, लेकिन वो बंद तब तक रहेगा, गहलाव का उसके अंदर डिजॉल्व कब तक रहेगा, जब तक उसके अंदर के प्रेशर हाई रहेगा। और दूसरा चीज, दूसरा जो एप्लीकेशन है, इन द डीप सी डाइविंग, जैसे समुद्र में जो लोग जाते हैं, समुद्र में जो लोग बच्चे जाते हैं उसको आप देखेंगे कि अपने पीठ पर क्या करते हैं, एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो दरअसल उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ बच्चों O2 नहीं होता है, उसके साथ वो हीलियम को भी मिक्स कर लेते हैं। किसको मिक्स कर लेते हैं, हीलियम को। अब आपको लगे हीलियम को क्यों मिक्स करते हैं, तो हीलियम को इसलिए मिक्स करते हैं बच्चों क्योंकि हीलियम एक नोबेल गैस है और एक हाई प्रेशर वाला गैस है, इसलिए ये जैसे ही इसके साथ रहेगा तो इसके प्रेशर को भी हाई रखेगा। और आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन गैस जो होता है वो जैसे जैसे पानी के अंदर जाता है उसका प्रेशर और घट जाता है, तो वो अगर हाई प्रेशर से नहीं आएगा तो वो पाइप्स के थ्रू उनके जो है ना कह सकते नोज तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उनको श्वसन क्रिया में यानी उनके ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। तो इसलिए वो क्या करते हैं, तो सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम को भी मिक्स कर लेते हैं। तो बच्चों ये एप्लीकेशन है। कभी कभी लिमिटेशन पूछता है, तो लिमिटेशन हम आपको ऐसे ही शॉर्ट में बता देते हैं, नोट कर लेना। जो हेनरीज लॉ होते हैं हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, या हेनरी लॉ हमेशा किसको किस सॉल्यूशन पे डिपेंड करते हैं, या कौन सा सॉल्यूशन के लिए इनका लिमिट है, तो आप हमेशा याद रखना कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उन पर ही हेनरी लॉ का जो कह सकते हैं रूल फॉलो होता है, जिस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो ना बहुत कम हो, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में रिएक्ट नहीं करता हो, सिर्फ डिजॉल्व होता हो, और सॉल्यूट का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता हो। तो बच्चों आज का लेक्चर हमने जो बताया है, उम्मीद है आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और अगर कोई समस्या रह गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स, तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और उसका हम नेक्स्ट जो वीडियो में हम आपका जो है सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक यू।